गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। दिन है आज संडे का, डेट है 28 जुलाई और सुबह के बज रहे हैं 11। सैटरडे जो वीकेंड था उस पर हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है, बहुत ही शानदार स्टडी रही है और इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बेहद खास सेशन है जहां पर कि हम बात करते हैं एक मार्केट गुरु के बारे में और मार्केट गुरु के द्वारा दी जाने वाली निवेश के संबंध में जो शानदार टिप्स हैं उनके बारे में। आज जो हम मार्केट गुरु लेकर आए हैं आपके लिए, निलेश शाह जी, बहुत ही बेहतरीन स्टडी रही है जब हम इन्हें स्टडी कर रहे थे और साथ ही साथ इनके द्वारा दी हुई लर्निंग्स स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं निलेश शाह जी के बारे में। करंटली निलेश शाह जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनका, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं। इससे पहले आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ICICI सिक्योरिटी के अंदर रहते हुए अवार्ड मिला है बेस्ट फंड हाउस का। इसके अलावा करंटली मैनेज कर रहे हैं कोटक महिंद्रा का एसेट मैनेजमेंट कंपनी। निलेश शाह जी का एक बहुत ही फेमस स्पीच है जिसके अंदर इन्होंने दो बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन दी हैं। निलेश शाह जी साउथ इंडिया से आते हैं तो इनका कहना था कि आमतौर पर इनके जो दोस्त हैं वो बहुत सारे गुजराती हैं, तो एक बार एक दोस्त ने कहा कि निलेश मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे मैं मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद सकूं। तो निलेश जी ने बताया उनको, उनको बोला कि करंटली उनके पास में मारुति स्विफ्ट डिज़ायर थी और उन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले तुमने स्विफ्ट डिज़ायर खरीदी थी, अगर उस समय तुम मारुति के शेयर्स खरीद लेते स्विफ्ट डिज़ायर के ही रेट कर, जितने रेट का तुमने स्विफ्ट डिज़ायर खरीदी है उतने के रेट की अगर तुम मारुति के सेम उसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते तो आज तुम्हारे पास तकरीबन 50 लाख रुपए होते और तुम एक मर्सिडीज़ खरीद सकते थे। तो ये बात सुन के जो उनका फ्रेंड था वो थोड़ा सा झेप गया, उन्होंने कहा अच्छा चलो मर्सिडीज़ तो मैं अपने पैसे की ले लूँगा, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं रॉल्स रॉयस खरीद सकूँ, 125 करोड़ के करीब गाड़ी है। सो उन्होंने कहा कि मेरे इस गुजराती दोस्त के घर में आमतौर पर 2-3 बाइक्स खड़ी रहा करती थी और ये 80 के दशक से बाइक्स थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में 2-3 बाइक्स हैं बुलेट, तो ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जिस समय 80 के दशक में जब खरीदी गई थी तुम्हारे यहाँ बाइक्स और उसके बाद आयशर मोटर जब आई लिस्ट हुई मार्केट में, अगर तुम अपनी 2 बाइक्स की कीमत के बराबर अगर तुमने आयशर मोटर के शेयर्स ले लिए होते सो आज की डेट में, और ये वीडियो है तकरीबन जो इंटरव्यू है सर का वो है 2017-18 का। सो उन्होंने कहा कि आज अगर तुम आयशर मोटर के वो सारे शेयर्स बेच देते तो तुम्हारे पास में एक रोल्स रॉयस आ सकती थी। सो ये बेसिकली बताना ये चाह रहे थे कि मार्केट के अंदर कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है। जब निलेश शाह जी उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के दौरान, वो इंटरव्यू नहीं बेसिकली एक स्पीच थी, उस स्पीच के दौरान वो अबू धाबी में थे और वहाँ बता रहे थे कि इंडिया की इक्विटी कैपिटल के अंदर और इक्विटी मार्केट के अंदर कितनी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आदमी अगर उसी पैसे को जिस पैसे को अपनी लग्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसे अगर सही तरीके से निवेश करे तो कितने गुना ज़्यादा लग्जरी आदमी यूज़ कर सकता है। सो ये हैं निलेश शाह जी और ये थी इनकी दो बहुत ही शानदार स्टोरीज़ जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। और अब शुरू करते हैं निलेश शाह जी की वो लर्निंग्स जो कि बहुत ही बढ़िया रहीं। इनकी स्टडी करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें क्योंकि पिन पॉइंट एक म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर होने की वजह से पिन पॉइंट दिए लर्निंग्स के पॉइंट्स निलेश शाह जी ने, जो कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले एक रिटेल निवेशक होने के तौर पर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये जर्नी और उम्मीद है कि ये सेशन और लर्निंग्स जो है निलेश शाह जी की ये आपको पसंद आएंगी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम जो आपने दिया वो है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, जब भी करना है वो हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश करके रखना है। और उसकी वजह यह है कि निलेश शाह जी का कहना था कि या तो आपके पास में मार्केट के अंदर सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नॉलेज या फिर कोई डिग्री कोई प्रोफेशनल कोर्स आपके पास होना चाहिए तभी आप मार्केट के अंदर सफिशियंट सीख सकते हैं, या फिर आपके पास में पैशन हो इतना कि आप पढ़ सकें
जितना कि एक चार्टर अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकें, फिर आपके पास में पैशन हो मार्केट के बारे में पढ़ने का, तब तो आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए और उसके बाद फिर अपना पर्सनल निवेश शुरू कीजिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो नीलेश शाह जी का कहना था कि आपको हमेशा लंबे समय का निवेश करना चाहिए और वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करना चाहिए अगर आप शेयर्स के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो। और गैम्बलिंग को, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को, ऑप्शन ट्रेडिंग को, फ्यूचर्स को पूरी तरह से नीलेश शाह जी ने अवॉइड करने के लिए बोला और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स का काम है और इन्हें प्रोफेशनल्स के लिए छोड़िए। एक आम आदमी होने के तौर पर, एक आम रिटेल निवेशक होने के तौर पर आपका जो सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो है निवेश का, और वो भी लॉन्ग टर्म निवेश का। एग्जाम्पल दिया था आपने नीलेश शाह जी ने TCS का, और उन्होंने कहा था कि ऐसी कंपनीज अच्छा रिटर्न कमा कर देती हैं पब्लिक को, बट उसके लिए ज़रूरी है आपको कि उसमें लंबे समय तक निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं कि हर मार्केट गुरु फ्यूचर एंड ऑप्शंस को पूरी तरह से अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वेद वाक्य है, इसे ज़रूर सीखना चाहिए। सेकंड, आपने बताया कि हर आदमी के पास में एक अच्छा गुरु नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको अपना एकलव्य खुद बनना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक कोट उन्होंने दिया कि बी योर ओन एकलव्य, कि अगर आपके पास में मार्केट को सीखने का पैशन है, तो जैसे एकलव्य के पास में गुरु द्रोण नहीं थे और बिना द्रोण के भी वो अपने पैशन से एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी, वैसे आप भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री हो ही, बट आपके पास पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर लगातार पढ़ते रह रहे हैं, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, तो मार्केट के अंदर आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता और उस दशा में आप खुद के अपने मेंटोर्स हो सकते हैं। तब आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप किसी भी एक औसत म्यूचुअल फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये नीलेश शाह जी ने कहा कि अगर आपके पास में नॉलेज है और पैशन है तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपनी क्वालिटी के, अपने चॉइस के शेयर्स जो आप बाय करते हैं उनसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इसके लिए किसी प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैशन होना चाहिए और मार्केट को सीखने की आप में ललक होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। सो बी ऑन योर ओन एकलव्य, जिसका कि हमेशा जिक्र किया है नीलेश शाह जी ने। और इसके बाद जो अगला, जहां पर कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए नीलेश शाह जी और स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात की कि अगर किसी भी निवेशक को निवेश के बारे में बात करना है तब उन्हें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वहां पर सबसे पहली चीज़ है, आप देखेंगे फ्रेंड्स कि हर मार्केट गुरु ये बात कर रहा है। और ये प्रॉब्लम हमारे साथ में जितने लाइव सेशन में हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं उनके साथ होती है। जब भी कोई सब्सक्राइबर आता है और पूछता है किसी क्वेश्चन किसी एक कंपनी के बारे में, और जब हम उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कंपनी क्या करती है जिसे आप बाय करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन जो शेयर बाय कर रहे हैं वो कंपनी असल में बिजनेस क्या करती है। और नीलेश शाह जी कहते हैं कि कोई भी कंपनी अगर आप बाय कर रहे हैं, किसी कंपनी का अगर आप एक शेयर भी बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कंपनी का बिजनेस क्या है। आपको ये पता है कि वो कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, कितना बेचती है, कोई सर्विसेज दे रही है तो कैसी सर्विसेज हैं उसकी, उसका जो अपना पीयर है मार्केट में, जो कंपटीटर है, उससे वो कितना बेहतर या कितना खराब है। तो सबसे पहले किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके बिजनेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, सो बिजनेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं आपको उसके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी क्या कर रही है और कैसा कर रही है। सेकंड चीज़ है जिस पर नीलेश शाह जी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, वो है मैनेजमेंट। नीलेश शाह जी का कहना है कि हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप किसी भी कंपनी को बाय कर रहे हैं, किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं, तो उस शेयर को चलाने की जिम्मेदारी, उस कंपनी को रन करने की जिम्मेदारी उसके मैनेजमेंट की है। इसलिए आपको ये ज़रूर पता करना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखिए। उनका कहना है कि आमतौर पर ऐसे मैनेजमेंट्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जिन मैनेजमेंट्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या इससे पहले वो किसी ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए थे जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। पास्ट रिकॉर्ड अगर उनका अच्छा है तो ही मैनेजमेंट्स के साथ में जाइए, और अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो ही उस कंपनी के साथ में जाइए। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, फ्रॉड या फिर किसी तरह के कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशूज मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, या मैनेजमेंट के किसी एक आदमी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कंपनी से दूर रहना ही बेहतर है। थर्ड चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वैल्यूएशंस, और वैल्यूएशंस में पी और पीजी और डिफरेंट रेशियोज का इस्तेमाल करना। सबसे ज़्यादा जोर देते हैं नीलेश शाह जी इन रेशियोज पर, कहते हैं कि कंपनी अगर अच्छी है, बिजनेस अगर बहुत ही बढ़िया है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी बहुत महंगी है तो फिर अगर आपने खरीदा तो फिर उस कंपनी से प्रॉफिट निकालने के लिए आप बिल्कुल भूल जाइए, आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए कंपनी के वैल्यूएशंस जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए नीलेश शाह जी ने भी सेम वही बात कही
जो इससे पहले चार्ली मंगर ने, इससे पहले रामदेव अग्रवाल जी ने कही कि किसी भी कंपनी को बाय करने से पहले जो कंपनी की वैल्यू है उसे पता लगा लीजिए और उस वैल्यू से कंपनी को हमेशा सस्ता परचेज कीजिए, तभी आपके मार्केट में प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे रेशियोस, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी करंटली महंगे दामों पर है या सस्ते दामों पर है। तो इन रेशियोज का इस्तेमाल करना, इन डाटाज का एनालिसिस करना, ये एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एज ए निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप शेयर सेलेक्शन में एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये गलती मार्केट के अंदर आपको भारी पड़ेगी। कैसे? तब आपको उसकी कीमत कैश से चुकानी पड़ेगी, अपने प्रिंसिपल से चुकानी पड़ेगी। सो इसलिए तीन चीज़ें जिन पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं नीलेश शाह जी शेयर में बाय करने से पहले, वो है बिजनेस, देन सेकेंड उसका मैनेजमेंट कैसा है, थर्ड है कि कंपनी का वैल्यूएशंस कैसा है, और हमेशा उसे सस्ते वैल्यूएशंस पर खरीदने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसे उसी क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान नीलेश शाह जी ने बताया, वो है कि मार्केट के अंदर दो तरह के काम होते हैं, एक होता है नॉलेज और दूसरा है हाइप या नॉइस। आमतौर पर हाइप और नॉइस क्रिएट करने का काम है बिजनेस चैनल्स का, बिजनेस न्यूज़पेपर का। ये नीलेश शाह जी ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी एक खबर आती है और उसके बाद आप तुरंत देखेंगे बिजनेस चैनल्स उसकी हाइप बनाना शुरू कर देते हैं। नीलेश शाह जी ने कहा जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए एक रिटेल निवेशक के तौर पर, वो है कि बिजनेस चैनलों द्वारा तैयार की जा रही हाइप और नॉइस से आपको बचना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिजनेस चैनल देखना बंद कीजिए, और वही फ्रेंड्स हमारा भी कहना है कि बिजनेस चैनल देखना बंद मत कीजिए। उन्होंने कहा कि बिजनेस चैनल देखिए बट उस चैनल पर आ रही जो जानकारी है सिर्फ उसे लीजिए, बाकी जो उसके ऊपर अननेसेसरी का हाइप या फिर नॉइस क्रिएट हो रहा है, किसी शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, उसे खरीदने या बेचने की राय जो है वो उन्होंने कहा कि उसकी आप जानकारी मत लीजिए बिजनेस चैनल से, बट जो इन्फॉर्मेशन वहां शेयर हो रही है उस इन्फॉर्मेशन को जरूर ले लीजिए उस चैनल से। सो बिजनेस चैनल्स पर की जाने वाली हाइप या फिर नॉइस से बचना एक रिटेल निवेशक के तौर पर, ये अगली सलाह थी नीलेश शाह जी की जितने भी रिटेल निवेशक हैं उनके लिए। देन बेहद इंपॉर्टेंट था कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू। किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपने कोई शेयर परचेस कर रखा है जो बाकी सारी परिस्थितियों में खरा उतर रहा है और कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू लिए हुए है, यानी कंपनी में किसी भी तरह का कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है, चाहे कंपनी के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई जांच हो, FIR हो, कोई मिसमैनेजमेंट का केस है, किसी भी तरह का कॉरपोरेट गवर्नेंस का अगर एक इशू है, नीलेश शाह जी ने कहा सेकेंड थॉट दिए बिना उस कंपनी से आपको हमेशा दूर हो जाना चाहिए। और फ्रेंड्स आप में से वो लोग जो मार्केट में थोड़े भी समय से हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशूज़ क्या होते हैं। आमतौर पर किसी भी कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू बेसिकली आइसबर्ग के टिप की तरह होते हैं, जो तभी आते हैं सामने जब कंपनी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होती है। इनिशियल स्टेज में आने वाले कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ देखते ही आप आमतौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज़ के अंदर हैं जहां पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ निकल रहे हैं, ऐसी कंपनी से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, ये कहना है नीलेश शाह जी का। देन कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो के मुरीद है नीलेश शाह जी, और बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है PSU बैंक्स के संबंध में फ्री कैश फ्लो के बारे में। नीलेश शाह जी का कहना है कि बेसिकली आपको ऐसी कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहिए जिन कंपनियों में फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। फ्री कैश फ्लो के बारे में डिटेल बताते हुए नीलेश शाह जी ने कहा, असल में कैश फ्लो, आप अगर कंपनी को एक गाड़ी समझिए तो कैश फ्लो है कंपनी के अंदर पड़ने वाला तेल, ठीक। और अगर कंपनी अपना तेल खुद ही जनरेट कर ले रही है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी बहुत ही बढ़िया है। कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज वो होती हैं जहां आपको बार बार अलग से पैसा डालना पड़ता है कंपनियों में, ऐसी कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती, इसलिए आपको बार बार बाहर से पैसा डालना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसी कंपनियों किस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं? एविएशन सेक्टर में, जहां बार बार बाहर से पैसा डालने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड, PSU बैंक्स, बार बार गवर्नमेंट PSU बैंक्स में और एडिशनल मनी डाल रही है, जैसे कि इस साल भी 70,000 करोड़ रुपीज़ डाल रही है। नीलेश शाह जी का कहना था कि ऐसी कंपनियों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए और उन कंपनियों में जाना चाहिए जो कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेट करने का काम करती हैं, जैसे बहुत सारी IT कंपनीज और FMCG कंपनीज। इसीलिए नीलेश शाह जी कहते हैं ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी में बाय करने से पहले कंपनी की बाकी और एनालिसिस के साथ साथ आपको फ्री कैश फ्लो कंपनी का ज़रूर देखना चाहिए। और फ्रेंड्स ये वो खास वजह है कि क्यों ज़्यादातर निवेशक करेंटली PSU बैंक्स को अवॉइड कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो भी हैं वो तो
ट्रेडिंग करने के लिए पीएसयू बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट निवेशक लंबे समय के लिए जो भी निवेश करना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक को निवेश करने के लिए कहते हैं। किसी भी पीएसयू बैंक में कोई भी निवेशक हाथ नहीं डालना चाह रहा, उसकी वजह यही है कि कैश फ्लो जनरेशन नहीं हो पा रहा है पीएसयू बैंक में और एडिशनल फंड की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि एक बेसिक लर्निंग है नीलेश शाह जी की किसी भी एक रिटेल निवेशक के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे की सारी शिक्षाएं जो कि नीलेश शाह जी ने दी। एक बार इसे दोबारा से समराइज कर देते हैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके याद रखने के लिए। सबसे पहला और सबसे लास्ट जो था, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट, वो है फ्री कैश फ्लो। कंपनी के अंदर फ्री कैश फ्लो जरूर जनरेट होना चाहिए। अगर किसी ऐसे सेक्टर की कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आपको बार बार बाहर से पैसा डालने की जरूरत पड़ रही है और कंपनी अपने धंधे से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंपनी से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। देन नो ट्रेडिंग बट इन्वेस्टिंग, ये ऑलवेज रूल है कि ट्रेडिंग नहीं करनी है मार्केट के अंदर, हमेशा लंबे समय का नजरिया रखना है और निवेश करते रहना है। सेकंड है बी योर ओन एकलव्य, लगातार सीखते रहिए मार्केट के अंदर, पैशन रखिए मार्केट के अंदर सिखाने के लिए और सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई तीसरा आदमी आपकी मदद करने नहीं आएगा, आप और आपका नॉलेज ही मार्केट के अंदर आपकी मदद करेगा। नीलेश शाह जी ने कहा, मार्केट की कोई मजबूरी नहीं है कि आपको अमीर बनाना है और न ही किसी मार्केट के गुरु की ये मजबूरी है कि आपको अमीर बनाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अमीर बनना है, इसलिए आपको मार्केट में सीखना ही पड़ेगा। देन बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, हमेशा ऐसी कंपनीज में बाय कीजिए जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए और इन सब चीज़ों के साथ साथ कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी सस्ते अवेलेबल होने चाहिए, तभी ऐसी कंपनीज में आपको बाय करना चाहिए। देन कम्स अवॉइड हाइप, जिसके लिए कहते हैं कि हमेशा बिजनेस चैनल के सामने टिके रहना ज़रूरी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। बिजनेस चैनल से सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन लीजिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। और देन कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू, अगर किसी भी कंपनी के अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई भी इशू है तो ऐसी कंपनीज को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी कंपनीज को सेकंड थॉट भी मत दीजिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि नीलेश शाह जी, जो कि इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने नाम हैं, मार्केट गुरु हैं, इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस सेशन से आपको क्या सीखने के लिए मिला, काइंडली कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ कुछ और मार्केट गुरुओं के नाम दीजिए, हो सकता है उन गुरुओं में से कुछ के नाम हमें ना पता हो। उनकी स्टडी करने से एक निवेशक के तौर पर अपने आप को बढ़ाने में, साथ ही अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने जो व्यूअर्स हैं इन्हें बहुत कुछ सिखाने में बहुत मदद मिलेगी, इस चैनल को भी आगे बढ़ाने में। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है फ्रेंड्स, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।